बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास, आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। 8 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवल्स का सेट। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास सी इज इक्वल टू एस पी आर आई एन जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेटर्स हैं एक वर्ड के, जो कि है हमारे पास स्प्रिंग। तो हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग, के स्प्रिंग वर्ड के लेटर्स को हमने एक सेट की फॉर्म में लिखा है टेबुलर फॉर्म में। तो हमने हर लेटर को सेपरेट किया हुआ है कॉमा के ज़रिए से। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है ए ई इज़ इक्वल टू 6 7 8 9 10। 6 7 8 9 10 हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो ई इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। 6 से लेकर 10 तक हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स हैं। सेवन पार्ट हमारे पास है जी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 3। कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मींस कि हमारे पास सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3 से कम नेचुरल नंबर का सेट। नेक्स्ट हमारे पास है 8, एच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 99। एच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट ग्रेटर दैन 99, 99 से ज़्यादा जो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उनका सेट। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड पार्ट था इसका, बी इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 अप सो ऑन। डी है, डी इज़ इक्वल टू ए टू जी स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास। एंड एफ़ इज़ इक्वल टू है 0 ± 1 ± 2। ये तीन पार्ट्स आपने खुद घर में ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेट्स जो थे वो टेबुलर फॉर्म में गिवन थे, हमने उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना था। अब हमारे पास जो सेट हैं वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, हम उनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू लेटर्स ऑफ द वर्ड हॉकी, कि एक वर्ड हॉकी के लेटर्स का सेट। तो हॉकी के जो वर्ड है, हॉकी का जो वर्ड है उसके तमाम लेटर्स को हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करके अलग अलग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सी इज़ इक्वल टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, कि 18 से कम उन नंबर्स का सेट जो 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो सी इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 15। ये 5 डिजिट्स जो हैं, ये 5 नंबर्स जो हैं हमारे पास, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। E इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, W शोज फॉर होल नंबर एंड X इज़ ग्रेटर दैन 5, कि X जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता है और हमारे पास X है क्या 5 से, वो ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर होल नंबर हमारे पास 6 से स्टार्ट होते हैं, 6 7 8 9 अप सो ऑन। इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड पार्ट था बी इज़ इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो। एंड फोर्थ पार्ट था डी इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 3। इनको आपने खुद ट्राई करना है होमवर्क में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टू द सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो इन तमाम नंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये तमाम नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 6, कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करता है बट एक्स 6 से कम है। 6 से कम जो 5 डिजिट्स हैं वो हमारे पास इस सेट में हैं। सेकेंड हमारे पास है बी इज़ इक्वल टू 2 3 5 7। 2 3 5 एंड 7 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो हमारे पास फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं। बी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, पी शोज फॉर प्राइम नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस देन 11। कि ये हमारे पास ऐसा सेट है, इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्राइम नंबर से बिलोंग तो करते हैं बट वो 11 से कम प्राइम नंबर हैं। सिक्स पार्ट हमारे पास है एल इज़ इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 अप सो ऑन। ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इन तमाम नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। एल इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5।
नेक्स्ट हमारे पास है ओ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15 के 15 से ग्रेटर ऑड नंबर का सेट ओ इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 15। नेक्स्ट हमारे पास है सी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम के सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का सेट। तो इस सेट में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो तमाम प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के। तो सी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कि एक्स जो है वो सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट था एन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फोर्थ था डब्ल्यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। फिफ्थ इज जी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एक्स हमारे पास था एस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। ये जो फोर पार्ट्स हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है।